पुलिस के अधिकारी एक लंबे समय से करीबन 1.5 माह से ये महामारी की जो ड्यूटी है इसमें कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगे हुए थे। उनके साथ ही पुलिस विभाग के साथ ही होमगार्ड के जवान, इसके साथ वन विभाग के जवान, स्वयंसेवी संस्थाओं से कुछ लोगों ने सहायता की पुलिस विभाग की, इन सभी को एक लंबे समय से एक ही तरह की ड्यूटी लगे करने से उनके अंदर एक भावना आती है कि मुझे भी उसका पुरस्कार मिले, सम्मान मिले। इसी भावना को ध्यान में रखते आज ये प्रोग्राम रखा गया है जिसमें सभी को एक मेडल दिया गया है ताकि वो अपनी ऊर्जा को और अधिक तरीके से जो है प्रदर्शित कर सकें, अपने कर्तव्य को और तरीके से निभा सकें। इसी भावना को रखते हुए आज का कार्यक्रम किया गया है। हमें अपेक्षा है कि ये जवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति लाएगा और प्रेरणादायी रहेगी, इसी भावना के साथ ही। हमें समय समय पर वरिष्ठ अधिकारीगण, माइक वन साहब, माइक टू साहब, माइक थ्री साहब एवं थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी गंज पटेल साहब के द्वारा समय समय पे अनाउंसमेंट करके एवं पॉइंटों पे आके हमें मोटिवेट करते हैं एवं इसके साथ ही बैतूल ज़िले की जो पब्लिक है, व्यापारी वर्ग, पत्रकार बंधुगण और आम नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिलता है और इसी के साथ जो आने जाने वाले जो वर्ग विशेष है उनके द्वारा भी हमें किसी तरह से अगर मोटिवेट करते तो हमें अंदरूनी खुशी मिलती है और एक्स्ट्रा वर्क करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। और आज हमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी कर्मचारी एवं अधिकारी गणों की उपस्थिति में सम्मानित कर एक मोटिवेट किया, इससे हमें ड्यूटी करने में और अच्छा मनोबल हमारा बढ़ता रहा। बहुत खुशी हो रही कि हमको पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल मैडम और SDP साहब ने ड्यूटी के लिए इतना सराहनीय कार्य के लिए हम सभी को मेडल दिए हैं और बताए हैं कि कैसे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। लाइन में हम लोगों के लिए बार बार सैनिटाइज़र के लिए मशीनें लगाई, हम लोगों को बुलाए, वहाँ पर सैनिटाइज़ किए और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जिससे कि हम अपने परिवार को भी सेफ रख सके और खुद को भी और जनता को। लगातार कितने दिन से कितने घंटे ड्यूटी कर? सर 45 दिन हो गए हैं कंटिन्यू। सुबह से हम लोग आते हैं 6 बजे से 2 बजे तक, फिर सेकेंड शिफ्ट वाले आते हैं। सम्मान पाके बहुत खुशी हो रही है। इतना लग रहा है कि अधिकारियों ने भी समझा कि कर्मचारियों को कितनी परेशानियों के बाद में जूझना पड़ रहा है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोगों की सर ने इतनी उत्साहवर्धन किया और बोले कि हम लोगों को उत्साहित किया, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। जगदीश बन जाए जगदीश, किस तरह से आपको सम्मान हुआ, कैसा महसूस हो रहा है, इतनी ड्यूटी करते हैं आप? हम भूतपूर्व सैनिक हैं जी, हमने स्वेच्छा से निःशुल्क यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मदद कर रहे हैं और हमें अपने जन्मभूमि के ऊपर ड्यूटी दे रहे, दोबारा वर्दी पहनने का मौका मिला है, इसका हमें बहुत गर्व है और बहुत गर्व महसूस। मेडल मिला, सम्मान किया SP साहब ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व की बात है, मनोबल बढ़ा है। मौसम खराब रहा हो, लंबा ड्यूटी का सफर आपका रहा हो, काफी लंबे समय तक 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप लोगों ने ड्यूटी की है, एक ही जगह पर खड़े होकर एक तरह की ड्यूटी करना और अपनी जान को भी एक तरीके से जोखिम में डालना, क्योंकि ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी, ये अदृश्य बीमारी है और कहाँ किसके साथ किस तरीके से लग जाए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मरीज आपका था अपने जिले का, वो भी ठीक हो गया है, तो उम्मीद है कि हम लोग ग्रीन जोन में आ जाएंगे। थोड़े से संसाधनों कर्तव्य करने की जो क्षमता है वो डबल हो जाए, उसमें मैं कहूँगा कि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने भी जो पुलिस ने अच्छे कार्य किए उनको पब्लिक के समक्ष प्रस्तुत किया।